हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लक्स जोन 21। आई होप आप और आपकी फैमिली बेहतर होगी। फ्रेंड, आज हम आपके लिए लाए हैं जो 12 जून को पेपर हुआ था UPPCS का सी सेट, इसका जो सेकंड पेपर है उसे हम आपको कम टाइम में सॉल्व कराने वाले हैं, 1 से लेके 100 तक के। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चलिए फटाफट हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप मैच करा लीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा, और दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे का ऑप्शन सही हो जाएगा प्रयुक्त ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड, अब हम देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता दें तुरंत कि इसका आंसर क्या है। चौथे का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और पाँचवें का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भी बी है सम्राट। और छठवें का आंसर हम आपको बता दें, मैच करते जाइए, मिलाते जाइए कि आपका क्या सही है। छठवें का आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन एक गद्यांश से है, तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर तुरंत लगाते हैं। सातवें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये आपका आठवां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आठवें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नौवां हमारा क्या है। नौवां क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, नौवां क्वेश्चन का आंसर हम आपको फटाक से बता दें, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, और दसवें का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, और हम अब आपको बता दें कि ग्यारहवां का आंसर क्या है। तो 11-12 हम जल्दी से आपको बता दें कि 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और 12 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना 13 और 14 क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि 13 क्वेश्चन का और 14 क्वेश्चन का आंसर क्या है। फ्रेंड, जो 13 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी RC, और 15 का आंसर भी हम आपको बता दें ऑप्शन डी। मैच कराती जाइए फ्रेंड फटाफट अपने आंसर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम 16वां क्वेश्चन आपको बता दें कि इसका ऑप्शन क्या है। 16, 17, 18 का फटाफट बता दें। 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मैच कीजिए, और जो है कि 17 का ऑप्शन हो जाएगा डी, और 18 का ऑप्शन हो जाएगा सी। इसे हम सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए हम जो है कि लेट में डाल रहे हैं, कम टाइम में फटाफट आप मिला के ये चेक कर लीजिए कि कितना सही है। 19वां का आंसर हम आपको बता दें कि 18 का हमने आपको बताया कि ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, और 19 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, और 20 का हम आपको बता दें ये मैच करने वाला है। तो चलिए हम 20 का ऑप्शन आपको बता दें कूट में कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, चलिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन अब से स्टार्ट हो रहा है, जो है कि इंग्लिश के क्वेश्चन का आंसर हम आपको अब बताने जा रहे हैं। तो 21वें का ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रेंड, वन सेकेंड, हाँ 21वें का ऑप्शन हम आपको बता दें, ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, और 22वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। और अब हम आपको दिखा दें कि 23वें का आंसर क्या है, तो हम 23वें पे फोकस कर लें कि 23 राइट क्वेश्चन इसका हो जाएगा, इस 23वें का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए मैच करा लीजिए फटाफट। 24 का हम आपको बता दें कि 24 का राइट आंसर हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा बी। ठीक है, 25वां देखते हैं क्या है, 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके फ्रेंड, तो आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी आंसर की वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर नोटिस में अपडेट रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 26 का हम दिखा रहे हैं आपको, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आपको 27वां बता दे रहे हैं, 27वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। सो फ्रेंड, अब चलते हैं 28वां देखते हैं, 28वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 28वें का ए करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, अब हम चलते हैं 29वें पे। 29वें का आंसर हम आपको बता दें किसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, अब फटाफट आपको हम बता दें 30वें का आंसर। 30वें का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए 31 है, 31 का आंसर आपका हो गया जो है, 31 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। और अब आपको दिखा दें कि 32वां का आंसर क्या है। 32वें का आंसर हम आपको जल्दी से बता दें फ्रेंड कि 32वें का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड को हम थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आपको इजीली हो जाए क्वेश्चन को देखने और मिलाने में। ठीक है, तो 33वें का हम क्वेश्चन का आंसर बताते रहे हैं आपको, इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, फटाफट से मिला लीजिए, इसका बी हो जाएगा। 34 का आपका हो जाएगा सी, फटाफट अपना मिलाते रहिए सी बुकलेट वाले आंसर की से। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, डब्लू आएगा। और 36वें का हम आपको बता दें कि 36 और 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर हो जाएगा आपका ए और 37वें का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। क्या है हमारा 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन में हम आपको बता दें कि 38 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। और 39वां हम आपको बता दें कि 39वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखते हैं 40 का आंसर क्या है। 40 का आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड, 40 का आंसर हम आपको बता दें तुरंत जल्दी जल्दी, 40 का आंसर हो जाएगा आपका ये है ऑप्शन ए। ठीक है, ये रहा। और हम 41वें का आपको आंसर बता दें, ये ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी हम आपको बता दे रहे हैं 42वां का आंसर क्या है। 42वां का आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड, इसे हम पहले स्लाइड चेंज करना चाहिए, स्लाइड चेंज हो जा रही है। चलिए 42वें का आंसर आपको हम बता दें कि 42वें का आंसर हो जाएगा डी। ठीक, और 43वें का आंसर हम आपको बता दें, 43वें का आंसर भी आपका हो जाएगा डी। और 44वें का आंसर हम आपको बता दें जो ही है 44वें का, 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मिलाते रहिए फ्रेंड, और हमने बहुत सर्च किया है, बहुत ही चेक किया है। और 45वें का आंसर हम आपको बता दें कि सी है। वैसे आयोग इसका आंसर क्या मानता है इसे एक्स्ट्रा बनाकर रख लीजिए कि देखते हैं, चेक कर लीजिएगा लास्ट में। चलिए हम जो है 46 पे 46 पे हम फोकस करते हैं। 46 जो है आंसर इसका क्या है, तो इससे हम आपको बता दें कि इसका भी जो आंसर है ऑप्शन आ जाएगा आपका बी आंसर में। चलिए 47वें का आंसर हम आपको बता दें कि 47वें का आंसर जो है एस सी ई, जो सी है 47वें का सी सही हो जाएगा। और 48वें का हम आपको बता दें कि 48वें का आंसर क्या है। 48वें का आंसर हम आपको जल्दी से बता दें, बी ऑप्शन है इसका सही से। चलिए 49 हम आपको बता दें कि 49 का सही क्या हो जाएगा, ये आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 49 हो गया। आप देखिए कितने कम टाइम में हम आपको 50 पूरा क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद जल्दी से 100 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फट से और 50 को हम डील करते हैं। 50वें का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक, और 51 का हो जाएगा ये ऑप्शन इसका ए। 52 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 51, 52 हो गया आपका। 53 हम बता दे रहे हैं, 53 का आंसर आपका हो जाएगा 53 जो ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे 54 के क्वेश्चन पे। 54 क्वेश्चन जो है उसका हम आपको दिखा दें किसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ए। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो गया। अब हम आपको 55 का आंसर बता देते हैं जल्दी से कि 55 का आंसर जो है ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 56 का आंसर हम आपको जल्दी से बता दे रहे हैं फ्रेंड कि जो 56 का आंसर क्या है, 56 का आंसर हो जाएगा आपका जो है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब 57 पर फोकस करते हैं। जो 57 का आंसर है आपका ऑप्शन बी। मैच कराते रहिए फ्रेंड जल्दी जल्दी, कम टाइम में बिल्कुल फास्ट। ये आपका हो गया 58
58 को हम फोकस करते हैं और इसमें बताते हैं कि क्या आंसर आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अभी ये 59 का आंसर मैच कराइए फ्रेंड। 59 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ये करेक्ट है। चलिए और 60 पे हम चलते हैं। 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं 61 का जो है राइट आंसर, हम वो भी आपको बता दें जल्दी से कि इसका ए ऑप्शन सही है। 62 का राइट आंसर हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है ये सब। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड हमारी क्या है, 63 से क्या है इसका आंसर। 63 का हम आपको जल्दी से बता दे रहे हैं, आप फटाफट आंसर लगाते रहिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और अब 64 का हम आपको बता दें कि 64 का राइट आंसर आपका आ जाएगा सी। और अब ये भी हम आपको दिखा दें कि इसका क्या आंसर है। 55 का आंसर जो हो जाएगा आपका जो है कि ऑप्शन 56 का ऑप्शन हो जाएगा, 55 का आंसर हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 पर फोकस करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मिलाते रहिए फ्रेंड जल्दी जल्दी आप अपने क्वेश्चन को। ये देखिए अब 67 पे आ गए हैं। 67 फोकस पे करते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और अब हम चलते हैं 68 क्वेश्चन पे। 68 क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर डी हो गया। अब 67 68 हो गया। 69 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 70 क्वेश्चन पे। 70 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए ये हो गया। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड हमारी क्या बता रहा है कि 71वां क्वेश्चन क्या है। चलिए 71वां क्वेश्चन का राइट आंसर हम आपको बता दें। 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सही हो जाएगा। और 72 का हम आपको बता दें, 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 71 72 का राइट आंसर हो गया। आप 73 मैच कराते हैं फ्रेंड। 73 का राइट आंसर हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर क्या है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कूट वाला है, तो ये है डी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा फ्रेंड। चलिए 74 पे फोकस करते हैं। 74 का फोकस हो गया है, इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा सी। 74 का राइट आंसर सी। चलिए अब देखते हैं 75 जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो अब हम इसे थोड़ा जूम कर देते हैं जिसे आप लोगों को भी अच्छे से दिखाई दे। चलिए 75 का आंसर हो जाएगा, ब्लड रिलेशन है ये, तो चलिए ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, और अब 76 पे हम चलते हैं। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये भी हो गया इसका राइट आंसर। 77 पे फोकस करते हैं फ्रेंड। 77 का राइट आंसर जो है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है फ्रेंड इसके, क्योंकि ये और ये दोनों सही है, लेकिन आप सी करेक्ट मान सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आयोग जब की भेजेगा तो आप उसे मिलाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम आपको नोटिफिकेशन भेजते रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड जिससे हमारी नोटिस आपको पहुँच जाए टाइम से। चलिए 78 पर हम देखते हैं कि 78 का राइट आंसर क्या होगा। 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 78 का राइट आंसर हो गया बी। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपको दिखा दें 79 का क्वेश्चन का आंसर क्या है। बी है आंसर इसका, सही है। चलिए 80 क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। 80 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ये भी सही हो गया। अब चलते हैं 81 का राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये भी हो गया। अब चलते हैं 82 का, इसका राइट आंसर हम आपको बता दें सी, ये भी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, अगला क्वेश्चन 83 का हम आपको जल्दी से आंसर बता दें फ्रेंड कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये भी हो गया। 84 का राइट आंसर आपको हम बता दें, 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये भी करेक्ट हो गया। अब 84 के बाद हो गया 85 का आंसर हम आपको बता दें कि 85 का आंसर जो है ये आयोग जो कीमा देगा आप उसे मान लीजिएगा फ्रेंड। चलिए 86 पे फोकस करते हैं। 86 का फोकस हम करके बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब हम चलते हैं
सॉरी 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 सॉरी, चलिए 89 हो गया, अब चलते हैं 86 हो गया, 87 पे हमें तुरंत जाना है और चेक करना है अपने आंसर को। चलिए 87 हम चेक करते हैं तुरंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये सही हो गया। अब 88 को हम चेक कर लें, 88 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये भी आपका ए करेक्ट है, 88 करेक्ट है बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला वाला क्या है, 89 को हम देखते हैं, 89 का जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, करेक्ट हो गया है। 90 क्वेश्चन पे फोकस करते हैं फ्रेंड, 90 क्वेश्चन का जो आंसर है ये बता दें हम आपको, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये करेक्ट है बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड हमारी आ जाए तो उसका आंसर हम आपको जल्दी बता दें। 91 का आंसर हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, चलिए आप मिलाते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा, और 92 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सब जल्दी जल्दी से चेक कर लीजिए फ्रेंड। अब हम बता रहे हैं 93 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये करेक्ट है डी आपका। अब हम आपको दिखा दें कि 94 का आंसर क्या होगा, 94 का आंसर सही हो जाएगा बी, मैच कराइए फटाफट। और 95 का आंसर हो जाएगा, 95 का आंसर सी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे हमारा क्या आंसर है, 96 का, हाँ 96 का आंसर आप चेक कर लीजिए फ्रेंड, 96 का आंसर हो जाएगा बी, ये करेक्ट हो गया। और 97 का हम आपको दिखा दें कि 97 का जो हमारा आंसर है, ये दिखा दें कि इसका 97 हो जाएगा आपका बी, ये बिल्कुल करेक्ट है, मिलाते रहिए अपने क्वेश्चनों को। 98 का हम आपको आंसर बता दें, 98 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका। चलिए अब 99 का हम आपको बता दें फ्रेंड कि 99 का हो जाएगा आपका डी। सो फ्रेंड, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसका 100 का आखिरी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सो फ्रेंड, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए।